अब ये इलिप्स क्या होता है, इलिप्स को अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इन इलिप्स दैट अभी तक हमने पैराबोला में देखा कि एक पैराबोला एक फोकस पॉइंट, इलिप्स तो ये कि यहाँ पे फोकस पॉइंट दो होते हैं F1 and F2, ठीक है। आप देखो इलिप्स भी आपके दो तरीके से बन सकती है, एक तो आपके ये जो मैं बना रही हूँ कि एक आपका इलिप्स बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहां देखना है ये वाला एक्सिस, मतलब जिस एक्सिस पे आपका जो इलिप्स है वो उसका ग्रेटर पार्ट है, ठीक है। जैसे ये इसका कम हिस्सा यहाँ पे, यहाँ पे इसका ज्यादा हिस्सा है, सो दिस वन एक्सिस इज नोन एज इट्स मेजर एक्सिस, ठीक है। एंड ये जो आपकी एक्सिस आएगी दिस वन इज नोन एज माइनर एक्सिस। अगर हम इसकी मेजर एक्सिस की बात करें तो वो क्या एक्स एक्सिस है, इसकी हम मेजर एक्सिस की बात करें तो ये आएगी इसकी मेजर एक्सिस, इस ये वाला आएगा इसका माइनर एक्सिस, क्लियर। आप देखो ये इसकी मेजर एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई होती है ना ये वाला आपका एक्स एक्सिस होता है। अच्छा अब नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं, ठीक है। ये फोकस जो है आपका, ये ओरिजिन तक जितना डिस्टेंस होगा ना इस फोकस का, एक का ओरिजिन तक, उसको हम बताते हैं कि सी है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका पूरा 2c, मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पहली चीज डिस्टेंस बिटवीन इक्वल्स टू 2c, ठीक है। फर्स्ट अब आपने इसकी पूरी लेंथ निकालनी है मेजर एक्सिस की, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी निकलेगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालने का फॉर्मूला है यहां पे 2a। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर का निकालने का फॉर्मूला है आपके पास 2b। तो ये तो सबके लिए बराबर है, चाहे ये वाला बोल रहे हो चाहे आप ये वाला ले रहे हो, वाई एक्सिस का ले रहे हो, ठीक है। Here, अब हम सी को थोड़ा वो कर देते हैं कि फोकस से लेके ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है वो सी से डिफाइन करते हो, और इन केस ऑफ इलिप्स जो है आपका सी होता है, ठीक है, इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, या सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सी जो हम बता रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम फोकस कहां तक, ओरिजिन तक, ठीक है। तो ये है आपका, अब यहाँ पे एक मतलब इनकी स्टैंडर्ड जो इक्वेशंस हैं दोनों की वो क्या क्या होती हैं, देखो इसका जो फोकस पॉइंट है ये आपका आता है x, ये x डैश होती है, ये y एंड दिस वन इज y डैश, यहां पर भी सेम ऐसे ही होंगे ना, ये इसका फोकस यहां पे ठीक, y x x डैश y डैश ओरिजिन। तो ये वाला जो है आपका, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दैट इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड ये वाला आपका जो है उसका होती है x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। आगे आपको बताइए जहां पे कट होता है वो वर्टेक्स होती हैं, ठीक है। एक्सिस पे अगर हम ऐसे हम बात करें सो अगर इधर कैसे निकलता था वो 0 0
है ना, ए कोमा जीरो लेते थे हम, फिर माइनस ए कोमा जीरो लेते थे अगर एक्स एक्सिस है तो, वो तो चीज सेम ही रहेगी यहाँ पे भी, और y एक्सिस में आपको पता ही जीरो देन a, जीरो देन माइनस a होगा, ठीक है। तो आप जो है लेट अस इसके जो फोकस पॉइंट होते हैं जो हम उधर ले रहे थे वो मैं वर्टेक्स बता रही हूँ, जो आप पीछे फोकस पॉइंट यूज कर रहे थे हम, जो आपका कौन सा चला था वो पैराबोला के केस में a कोमा जीरो फिर वो एक कोमा। अब इलिप्स के केस में लेट अस कंसीडर जो इसके फोकस है आपके पास वो होता है c कोमा जीरो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस c कोमा जीरो। सिमिलरली इसके आप खुद बना सकते हो जीरो कोमा c और जीरो कोमा माइनस c, ठीक है। तो ये वर्टेक्स होंगी वो जो हम पीछे फोकस यूज कर रहे थे, दैट इज योर जीरो कोमा a जीरो कोमा माइनस c, इस तरीके से अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस जो है आपकी जो है इलिप्स बनती है। आपकी फर्स्ट वन जो x एक्सिस के अलोंग होती है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। जो आपकी दूसरी y एक्सिस के अलोंग होती है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ठीक है। अगर आपने डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मतलब इन यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस है दैट इज टू सी से निकलेगा, ठीक है। व्हाट इज सी? सी आपका जो फोकस से लेकर के ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं यहाँ पे इलिप्स के केस में। तभी जो आपके जो यहाँ पे फोकस पॉइंट एफ वन एंड एफ टू बन रहे हैं वो बन रहे हैं सी कोमा जीरो माइनस सी कोमा जीरो, इस तरीके से। अगर हम मेजर एक्सिस की बात करें फॉर्मूला इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज टू ए, माइनर एक्सिस की चलती है आपकी टू बी। अब अगर आपके पास मतलब जनरल इक्वेशन देके रखी है एक कोई भी, आपको कैसे पता चलेगा कि x एक्सिस है ये वो इक्वेशन या y एक्सिस आगे कौन सा इलिप्स की बात करें? तो आपने देखा है डिनोमिनेटर, ठीक है, x के नीचे का डिनोमिनेटर y के नीचे का डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होगा इट मीन दैट वो वाले की हम बात करें। मतलब मान लो कि y के नीचे 16 है और x के नीचे 8 है, तो y के नीचे का डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। मतलब किस किस वाले की बात हो रही है? y एक्सिस वाले की बात हो रही है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उससे क्लियर होगा। क्वेश्चन ओ, एक टर्म यूज होती है दैट इज इसेंट्रिसिटी, यहां बताती हूँ। जो इसेंट्रिसिटी होती है, अब ये क्या होती है इसेंट्रिसिटी से फाइंड आउट करने के लिए दी होगी आपके पास एलिप्स में। बेसिकली जो इसेंट्रिसिटी होती है इसका यूज किया जाता है किसी भी शेप को डिफाइन करने के लिए, कि वो शेप के बारे में जैसे जानना हमने कि वो शेप कैसी है, तो उसको डिफाइन करने के लिए बेसिकली इसका यूज होता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई एंड स्मॉल ई इज इक्वल टू सी ओवर ए, ठीक है। तो ये इसेंट्रिसिटी निकालने का आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास हाँ, और लेटेस्ट रेक्टम वही इन केस ऑफ एलिप्स व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम? इधर लेटेस्ट रेक्टम जो होता है आपका वो होता है टू बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर, ठीक है।
मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज फाइंड अ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई द वर्टिसेस द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इसेंट्रिसिटी लेटेस्ट वेक्टर ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वेयर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 सॉल्यूशन। देखो तो सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला इलिप्स है, एक्स एक्सिस वाला इलिप्स है, वाई एक्सिस वाला इलिप्स है, कौन सा वाला आपका ये इलिप्स है। ठीक है, कहां से पता लगेगा? डिनोमिनेटर चेक करने हैं, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 25 है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 है, 25 इज ग्रेटर देन 9। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाला इलिप्स है जो आपका जिसका जो मेजर एक्सिस है वो क्या था? एक्स एक्सिस था। तो क्यों? बिकॉज ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेक करना है। ठीक है, 25 इज ग्रेटर देन 9, देयरफॉर दिस वन। ओके, ना अगर हम इसको उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आपका, बी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्लियर? अब आपको पता है सी सी जनरली आप निकाल सकते हैं, इट इज 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब अगर हम इसके लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो इट इज 2 बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, तो इट इज 18 अपॉन 5। B की वैल्यू पुट कर दी आपने, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 टू 18, 18 बाय A की वैल्यू कितनी है 5, तो 18 अपॉन 5 इसका लेटेस्ट रेक्टम आ गया। मेजर एक्सिस का लेंथ निकालते हैं 2A से, माइनर एक्सिस का निकालते हैं 2B से। तो आप अगर मेजर एक्सिस का निकालोगे, मेजर का, तो ये आपके पास निकलेगा 2A दैट इज 10, है ना। माइनर का आपके पास आएगा 2B दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट। अब यहाँ पे एक और चीज पूछी आपके, फाइंड अ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, और आप अगर अपनी वो शेप अगर पीछे से अगर हम देखें तो उसमें क्या था? माइनस सी कोमा जीरो, सी कोमा जीरो था, सी की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो ये आपके पास कितना बन सकता है? 4 कोमा जीरो और माइनस 4 कोमा जीरो, ये क्या आएगा आपका पास? फोकाई। ठीक है, अगर हम इसकी वर्टेक्स की बात करें तो मैंने बोला था जो पैराबोला में आप पॉइंट यूज करे थे ए कोमा जीरो माइनस ए कोमा जीरो, अब ये वर्टेक्स की तरह यूज होगा इधर एलिप्स में। तो अगर वर्टेक्स इसकी निकाले तो ए की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो कैसे निकलेंगे आपकी? माइनस 5 कोमा जीरो एंड 5 कोमा जीरो, ये क्या आगे? दोनों वर्टेक्स आगे, वर्टेक्स। तो इस तरीके से सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए कि आपके पास जो इलिप्स देके रखी है, आपके पास जो पैराबोला देके रखा है, वो है कौन सा। ठीक है, फिर उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन है आपकी, उसकी वो उसके साथ कंपेयर करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे एंड फॉर्मूले, सारा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले लर्न तो क्वेश्चन उधर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस ए बी का वैल्यू एंड ऑल इज डिपेंड ऑन ए बी एंड दैट फॉर्मूला। ओके, इस तरीके से आपने क्या करना है, ये क्वेश्चंस जो हैं लिप्स के करने हैं। अब एक और हम क्वेश्चन जो है इसका करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास जो अब इक्वेशन जो देके रखी है दैट इज योर
नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसमें पहले क्या करना, आपने इधर वन बनाना है ना, यही होता है ना, फॉर्म में लेके आना है उसको, जैसे फॉर्मूला होता है। तो नाइन एक्स स्क्वायर अपॉन 36, क्लियर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। व्हेन यू कंपेयर दिस, y का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो ये आपका कौन सा वाला पैराबोला होगा, x square upon b square plus y square upon a square is equals to 1। ठीक है, अब आपके पास आ गया a भी b भी। यहां से what is a, a is 3, b is 2, ठीक है, a देखो, ठीक है। अब ये वैल्यूज आ गया, अब आप सिंपली सारी चीजें निकाल सकते हैं। आपके पास जो सी है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4, और विच इज अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। आपकी जो इसेंट्रिसिटी है वो आ जाएगी आपकी अंडर रूट 5 अपॉन 3, बिकॉज इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए, ठीक है। जो फोकाई है इसकी वो आएंगी आपके पास 0, अंडर रूट 5 एंड 0, माइनस अंडर रूट 5, क्यों, ठीक है। ये होती है 0, से और 0, माइनस से, क्यों, क्या कौन सा वाला है, मेजर एक्सेस वाई एक्सेस वाली आपकी इलेक्ट से ये, तो ये आपकी निकल गई इसकी फोकाई, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस आपकी 2a 2b, मेजर की निकल जाएगी 2a, आपके पास आ जाएगा 6 और माइनर का आ जाएगा 4। आप 6 को 4 2a होता है, 2 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3, क्लियर। एंड वट इज b 2, तो 2 इंटू b होता है 2 2 4। इस तरीके से जो है आपने इलिप्स के क्वेश्चंस करने हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें लास्ट करते हैं, दैट इज योर हाइपरबोलास।